सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जीत ले हम सारी दुनिया, पीछे हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप सब मजे में। क्या आपको याद है कि हमने भावनाओं के सत्र में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा और खुशी, ये कुछ मूल भावनाओं के नाम हैं जिन्हें हम सभी महसूस करते हैं। हमने ये भी सीखा था कि मजा, आश्चर्य, गर्व और खुशी सकारात्मक और अहानिकारक भावनाएं हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये याद होगा। हमने एक गीत भी गाया था, क्या आपको वो गीत याद है? क्या हम फिर से वो गीत गाएं? शाखा देख लता को जेत जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जेत जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। खुश देख खुश होना, खुश बस जाए, खुशी बस जाए, मन में खुशी बस जाए। क्रोध देख क्रोध आए, क्रोध खोले मन में क्रोध खोले। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। अद्भुत मुख देख आश्चर्य बढ़े मन में आश्चर्य बढ़े। भयभीत मुख देख भयभीत होत मन भयभीत हो। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। आनंदित मुख देख आनंद खिले मन में आनंद खिले। चिंतित मुख देख चिंता लगे मन को चिंता लगे। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। आप सबने बहुत अच्छा गाया। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? इस सूची में से हमने सकारात्मक और अहानिकारक भावनाओं को पहचाना था, जो हैं मजा,
आश्चर्य, गर्व और खुशी। अब हम कुछ भावनाओं को पहचानेंगे जो हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होती हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्त के साथ झगड़ रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। धीरे धीरे वो झगड़ा लड़ाई में बदल जाता है। आप दोनों बहुत गुस्से में हैं। आपका शरीर और दिमाग तन गया है। इस लड़ाई में किसी को भी चोट लग सकती है या फिर मानसिक पीड़ा हो सकती है। क्या आप इस सूची में इस तरह की भावनाओं को पहचान सकते हैं? मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा, खुशी। सही बताया, चिंता, अपमान, डर और गुस्सा हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। अगर हम इन भावनाओं को उचित तरीके से नियंत्रित नहीं करें तो इनके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें इन भावनाओं को बहुत ही ध्यान से संभालना पड़ता है। क्या हम इन सब भावनाओं के बारे में और जानें? सबसे पहले गुस्से के बारे में बात करते हैं। क्या आपको गुस्सा आता है? मुझे यकीन है कि आपको कई बार गुस्सा आया होगा, है ना? क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से यहां आकर गुस्सा करके दिखाएंगे? मैं आपको एक परिस्थिति देता हूं। आपका दोस्त आपसे वो गेंद मांगता है जिससे आप खेल रहे हैं। आप उसे वो गेंद तुरंत नहीं देते हैं, तब वो आपसे जबरदस्ती गेंद छीनने की कोशिश करता है और आपको गुस्सा आ जाता है। बढ़िया किया। जब हम गुस्सा करते हैं तब शरीर में खून का दौरा बढ़ जाता है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, जबड़ा अकड़ जाता है और मांसपेशियों में तनाव होने लगता है। ये सब बातें शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा या बहुत बार गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से की वजह से कभी कभी हम हिंसक काम भी कर बैठते हैं, जैसे कि पीटना, डांटना या गंदे शब्द कहते हैं। इससे शरीर और दिमाग को कष्ट होता है, इसलिए ये हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होता है। आइए अब एक कार्यकलाप करें। आप किन लोगों पर अक्सर गुस्सा करते हैं? इनमें से कितने लोग आपसे बड़े हैं, कितने लोग आपसे छोटे हैं और कितने लोग आपकी उम्र के हैं? क्या आप जोड़ियों में बैठकर इन सवालों के जवाबों के बारे में बात करेंगे? इन सवालों के जवाब बताने के लिए शुक्रिया। आप बड़ी उम्र के लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, जैसे कि माता पिता, दादा दादी और पड़ोसी। आप अपने छोटे भाई बहन से गुस्सा हो जाते हैं और अपनी उम्र के दोस्तों से भी। आप जिन लोगों से गुस्सा हो जाते हैं वे हैं उम्र में आपसे बड़े, माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी। आपकी उम्र के दोस्त, उम्र में आपसे छोटे भाई बहन। क्या आप में से कुछ लोग बता सकते हैं कि आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों पर, अपनी उम्र के लोगों पर और अपने से छोटी उम्र के लोगों पर
गुस्सा कैसे करते हैं? ये बातें खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम देखें कि आप गुस्सा किस तरह करते हैं? जब आप बड़ों पर गुस्सा होते हैं तब आप चीजें फेंकते हैं या फिर तोड़ देते हैं, दरवाजा पटकते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं या फिर वहां से चले जाते हैं। जब आप अपने भाई बहन या अपनी उम्र के लोगों के साथ गुस्सा होते हैं तब आप अपना हाथ उठाते हैं, आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं या फिर पीटते हैं, आप उन पर चीखते चिल्लाते हैं और उनके साथ झगड़ते भी हैं। आप बड़ों पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए चीजें फेंकते हैं या फिर तोड़ देते हैं, दरवाजा पटकते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं या फिर वहां से चले जाते हैं। भाई बहन और दोस्तों पर गुस्सा दिखाने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं, पीटते हैं, उन पर चीखते चिल्लाते हैं, उनके साथ झगड़ते हैं। आप दोस्तों और छोटी उम्र के लोगों पर गुस्सा दिखाने के लिए उन्हें चोट पहुंचाते हैं या फिर पीटते हैं। आप अपने से बड़े लोगों को क्यों नहीं पीटते? क्योंकि आप डरते हैं कि बदले में वे भी आपको पीट सकते हैं, इसीलिए आप अपना गुस्सा उन पर निकालते हैं जो बदले में आपको नहीं पीट सकते। ये तो सच्ची बहादुरी नहीं हुई। सच्ची बहादुरी इसमें है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर भी अपने गुस्से को काबू में रखना। गुस्सा आने पर अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो सच में बहुत बहादुर होते हैं। किसी को पीट कर अपना गुस्सा दिखाना सही नहीं होता है, ऐसा करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसी तरह चीज़ें फेंकना, दरवाज़ा पटकना, रोना, चिल्लाना, ये सब बातें अस्वीकार्य होती हैं। किसी पर हाथ उठाना या लड़ाई करना अनुचित होता है। मैं फिर से कहता हूँ, गुस्सा दिखाने के लिए चीज़ें फेंकना, दरवाज़ा पटकना, रोना, चिल्लाना, दूसरों पर हाथ उठाना, ऊंची आवाज़ में बोलना, पीटना या लड़ाई करना, ये सब बातें अस्वीकार्य होती हैं। आइए साथ में कहें, गुस्सा दिखाने के लिए चीजें फेंकना, दरवाजा पटकना, रोना, चिल्लाना, दूसरों पर हाथ उठाना, ऊंची आवाज में बोलना, पीटना या लड़ाई करना, ये सब बातें अस्वीकार्य होती हैं। तो फिर हमें गुस्से पर काबू कैसे करना चाहिए? सभी हानिकारक भावनाओं में से जो भावना बहुत आसानी से व्यक्त हो जाती है वो है गुस्सा। गुस्सा सबसे खतरनाक भी है। गुस्से की वजह से हम चीजें तोड़ते हैं और किसी को पीटते हैं, इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तब हमें अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें कस लेना चाहिए और हो सके तो वहां से चले जाना चाहिए। जब तक गुस्सा ठंडा ना पड़ जाए तब तक हमें अपने हाथ नहीं खोलने चाहिए। क्या हम कसे हुए हाथों से किसी को पीट सकते हैं या फिर कुछ तोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम नियमित रूप से इस बात का पालन करें तो हम अपने गुस्से को
बेहतर तरीके से काबू में कर सकेंगे। अगली बार गुस्सा आने पर आप सब लोग ये कर देखेंगे। बहुत अच्छा। किसी व्यक्ति पर गुस्सा आए तो उसी जगह रहने या फिर उसी बारे में बात करते रहने से आपका गुस्सा कम नहीं होगा। और जब दूसरा व्यक्ति ये बताने की कोशिश करे कि उसका गुस्सा सही बात के लिए है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। जब हम अपने हाथ कसकर उस जगह से चले जाते हैं तो हमारा गुस्सा कम होने लगता है। बाद में हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें किस वजह से गुस्सा आया था और भविष्य में उस स्थिति से कैसे बचना चाहिए। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? कृपया अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाइए, फिर एक दूसरे को बताइए कि जब आप पर कोई गुस्सा हुआ तब आपको कैसा लगा। जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो तब दूसरे को उससे नजरें मिलाते हुए ध्यान देकर सुनना है। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब से आप अपने गुस्से को काबू में कैसे रखेंगे? जब आप गुस्से में हो तब अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें कस लें और उस जगह से चले जाएं। गुस्सा ठंडा होने पर ये विचार करें कि आपको किस वजह से गुस्सा आया था। भविष्य में ऐसे कारणों से बचने की कोशिश करें जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। फिर से कहिए, जब आप गुस्से में हो तब अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें कस लें और उस जगह से चले जाएं। गुस्सा ठंडा होने पर ये विचार करें कि आपको किस वजह से गुस्सा आया था। भविष्य में ऐसे कारणों से बचने की कोशिश करें जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। अब तक हमने कुछ हानिकारक भावनाओं के बारे में जाना और ये भी देखा कि उनकी वजह से हमें और दूसरों को क्या हानि पहुंचती है। हमने देखा कि हम अलग अलग लोगों के सामने अपना गुस्सा कैसे व्यक्त करते हैं और ये जाना कि हमें अपने गुस्से को क्यों और कैसे काबू में रखना चाहिए। अब हम अगली हानिकारक भावना पर ध्यान देंगे जो है चिंता। क्या आपको कभी किसी बात की चिंता हुई है? कई बार हुई है। तो क्या आप में से दो छात्र यहां पर एक दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? मैं आपको परिस्थिति देता हूं। कल आपकी परीक्षा है और आपने पूरी तैयारी नहीं की है। क्या आप अपने दोस्त से बात करते हुए अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा करके दिखाया। चिंता से हमारा मनोबल कम हो जाता है, इससे हमारी योग्यता और क्षमता भी कम हो जाती है, विचार करने की शक्ति कम हो जाती है। इस वजह से हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए ऐसी बातें करना, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मुझे ये पाठ समझ में नहीं आएगा, या क्या पता मुझे मेरी पसंद का बल्ला कब मिलेगा, चिंता का संकेत है। क्या आप जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को अपनी कुछ विशेष चिंताओं के बारे में बता सकते हैं?
धन्यवाद। क्या हम उन परिस्थितियों के बारे में जानें जिनकी वजह से आपको चिंता होती है? जब कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करता है, आपको डांटता है या फिर आप पर ध्यान नहीं देता है, तो आपको चिंता होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई बोलकर या किसी अन्य तरीके से आपको अपमानित करता है तो आपको चिंता होती है। जब आपकी कोई चीज़ खो जाती है या फिर किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पाता है तो आपको चिंता होती है कि ऐसा क्यों हुआ। कल्पना कीजिए कि आपको पिछली परीक्षा में 60% अंक मिले थे, अगर इस बार आपको 50% मिले तो आपको चिंता होगी कि अंक कम क्यों हो गए, जबकि आपने ठीक से परीक्षा दी थी। तो अगर कोई स्थिति पहले से बुरी हो जाए तो हमें चिंता होती है। आइए अब एक कार्यकलाप करें। क्या आप में से कुछ लोग मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी चिंता कैसे व्यक्त करते हैं? धन्यवाद। आमतौर पर हम अपनी चिंता को दूर करने के लिए रोते या उदास होते हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। रोने या उदासीन होने से हमारा दुख कम होता है, पर जो चिंता हमारे अंदर घर लेती है वो धीरे धीरे एक हवा के गुब्बारे की तरह बढ़ने लगती है। चिंता अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो विस्फोट हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरने पर कोई गुब्बारा फट जाता है। ऐसा होने पर बहुत बुरे परिणाम होते हैं और हानि भी पहुंचती है। उदाहरण के लिए, आपके दोस्त ने आपको डांटा, आपको बहुत बुरा लगा, पर आपने ये बात किसी को नहीं बताई। आपके दिमाग में वही बात बार बार घूम रही है। जब भी आप अपने दोस्त को देखते हैं आपको वही सब बातें याद आने लगती हैं। धीरे धीरे आपको अपने दोस्त से घृणा होने लगती है और आप बदला लेने के बारे में सोचते हैं। बदले की भावना आप और आपके दोस्त के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए हमें इस तरह की भावनाएं और चिंता अपने दिमाग में नहीं पालनी चाहिए। तो हम अपनी चिंता को दूर कैसे कर सकते हैं? चिंता की वजह से जो मानसिक तनाव होता है उसके बारे में हमें किसी ऐसे इंसान को बताना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो। ऐसा करने से हम चिंता का कारण जान पाएंगे और ये भी हो सकता है कि हमें अपनी परेशानी का कोई हल भी मिल जाए। किसी को अपनी बात बताने से मन का बोझ हल्का हो जाता है और हो सकता है कि सुनने वाला व्यक्ति आपकी परेशानी दूर करने में आपकी मदद भी कर दे। क्या हम एक कार्यकलाप करें? अब आपको जोड़ियां बनाकर बैठना है और एक दूसरे को ऐसी घटना के बारे में बताना है जब आपको कोई चिंता हुई थी। आपको ये भी बताना है कि आपने उस चिंता को दूर कैसे किया था। जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तब दूसरे को नज़रें मिलाते हुए ध्यान देकर सुनना है। फिर जब दूसरा व्यक्ति बात करे तब पहले व्यक्ति को भी उसी तरह से ध्यान देना है। अपने अनुभव बताने के लिए शुक्रिया। जब आपको कोई चिंता सता रही हो तब क्या करना चाहिए? हमें अपनी चिंता के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो। फिर से कहिए, हमें अपनी चिंता के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो।
क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? हानिकारक भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो इससे हमारा और दूसरों का नुकसान हो सकता है। कुछ हानिकारक भावनाएं: गुस्सा, चिंता, अपमान और डर। जब हम गुस्से में हों तब अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें कस लेना चाहिए और उस जगह से चले जाना चाहिए। ऐसा करने से हम गुस्से पर काबू पा सकेंगे। गुस्सा ठंडा होने पर ये विचार करना चाहिए कि हम किस वजह से गुस्सा हुए थे। भविष्य में ऐसे कारणों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है। हमें अपनी चिंता के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? बहुत बढ़िया। आशा करता हूं कि आपको वो सत्र याद होगा जिसमें हमने कुछ हानिकारक भावनाओं के बारे में बात की थी। हमने एक गीत भी गाया था, क्या आपको वो गीत याद है? क्या हम वो गीत फिर से गाएं? शाखा देख लता को जेत जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जेत जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। खुश देख खुश होना, खुश बस जाय, खुशी बस जाय, मन में खुशी बस जाय। क्रोध देख क्रोध आय, क्रोध खोले मन में क्रोध खोले। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। अद्भुत मुख देख आश्चर्य बढ़े, मन में आश्चर्य बढ़े। भयभीत मुख देख भयभीत होत, भयभीत होत मन भयभीत हो। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। आनंदित मुख देख आनंद खिले, मन में आनंद खिले। चिंतित मुख देख चिंता लगे, मन को चिंता लगे। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। आप सबने बहुत अच्छी तरह गाया। हमने सीखा था कि मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा और खुशी ये कुछ मूल भावनाओं के नाम हैं जिन्हें सभी लोग महसूस करते हैं। हमने ये भी सीखा था कि मजा, आश्चर्य, गर्व और खुशी सकारात्मक और अहानिकारक भावनाएं हैं।
हमने ये भी देखा था कि गुस्सा, चिंता, अपमान और डर हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। हम गुस्से और चिंता के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि ये भावनाएं कितनी हानिकारक होती हैं, हम इन्हें कैसे व्यक्त करते हैं और हमें इन भावनाओं को काबू में कैसे करना चाहिए। आज के सत्र में हम डर और अपमान के बारे में बात करेंगे। आइए पहले डर के बारे में बात करें। क्या आपको कभी डर लगा है? कई बार है ना। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक पीछे से आपको एक तेज आवाज सुनाई देती है। आप डर जाते हैं और मुड़कर देखते हैं। क्या दो छात्र स्वेच्छा से आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखाएंगे? एक छात्र को सड़क पर चलते हुए तेज आवाज सुनकर डर की भावना को दर्शाना है और दूसरे छात्र को पीछे खड़े होकर वो तेज आवाज करनी। आपने बढ़िया किया, धन्यवाद। जब हम डरे हुए होते हैं तब हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, शरीर में गर्मी आ जाती है, पसीना आने लगता है, शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है और सोचने की शक्ति कम हो जाती है। हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं या फिर कोई गलती कर बैठते हैं। इसकी वजह से हमें कष्ट होता है और दुख उठाना पड़ता है। कई बार हमारे व्यवहार की वजह से दूसरों को भी परेशानी होती है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? आपको किन परिस्थितियों में डर लगा है? क्या जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को इस बारे में बता सकते हैं? कई बार हमें इन परिस्थितियों में डर लगता है जब बहुत अंधेरा होता है, जब हम कोई जहरीली चीज या जानवर देखते हैं, जब हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इन परिस्थितियों में डर क्यों लगता है? जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं या हमें लगता है कि कोई खतरा है तब हम डर जाते हैं। हम अंधेरे में डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अंधेरे में कोई व्यक्ति या वस्तु हमें हानि पहुंचा सकती है। इसी वजह से हम जहरीली चीज़ों या जानवरों से भी डरते हैं। हम ऊंचाई से डरते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अपना संतुलन खो देंगे और नीचे गिर जाएंगे। हम गलती करने के बाद डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी गलती पकड़ी जाएगी या हमें सज़ा मिलेगी या फिर लोग हमें बुरा समझेंगे। अब डर का सामना कैसे करते हैं? आपने अपने दोस्त को बताया था कि आपको किन बातों से डर लगता है। क्या अब आप में से कुछ छात्र कक्षा के सामने बताएंगे कि आपने उस डर का सामना कैसे किया था? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम देखें कि हम किस तरह से डर का सामना कर सकते हैं? जब हमें लगता है कि कोई चीज या बात हमें हानि पहुंचा सकती है तो हम डर जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस तरह की भावना मन में आ जाए तो हम सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने डर को दूर करना सीखना चाहिए। हमें खुद को संभालते हुए परिस्थिति को समझना चाहिए और उसके अनुसार कोई उचित कदम लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आपके हाथ में लालटेन या टॉर्च हो तो आपको अंधेरे में डर नहीं लगता। गाना गाने
या सुनने से अकेलापन कम हो जाता है। जहां तक गलती पकड़े जाने का सवाल है, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो एक दिन सामने आ ही जाती है। गलती छुपाने से केवल परेशानी बढ़ती है। हमारे मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि हम पकड़े जाएंगे, पर गलती मान लेने से डर चला जाता है। आपको जिन परिस्थितियों में डर लगता है, उनका सामना आप कैसे करेंगे? जब हमें डर लग रहा हो, तब बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिति को समझते हुए अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। अगर हमने कोई गलती की हो, तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, ताकि हम आगे की परेशानी से बच सकें और इस बात का डर भी न रहे कि हमारी गलती पकड़ी जाएगी। आइए साथ मिलकर कहें, जब हमें डर लग रहा हो, तब बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिति को समझते हुए अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। अगर हमने कोई गलती की हो, तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, ताकि हम आगे की परेशानी से बच सके और इस बात का डर भी ना रहे कि हमारी गलती पकड़ी जाएगी। हमने देखा कि किन परिस्थितियों में हमें डर लगता है। अब हम देखेंगे कि कोई हमें डराए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या किसी ने आपको कभी डराया या धमकाया है? कभी तो ऐसा हुआ ही होगा, है ना? धमकियां दो तरह की होती हैं। आइए हम ये समझने के लिए एक परिस्थिति पर ध्यान दें। आप स्कूल देर से पहुंचे हैं। आपके शिक्षक ने आपको धमकाया है कि वो आपको सजा देंगे। आप क्या करेंगे? एक, मैं माफी मांगूंगा या मांगूंगी और यह निश्चय कर लूंगा या कर लूंगी कि अब से स्कूल देर से नहीं आना है। दो, मैं घर वापस चली जाऊंगी या चला जाऊंगा और स्कूल जाना बंद कर दूंगी या बंद कर दूंगा। तीन, मैं रोकर तमाशा खड़ा कर दूंगा या खड़ा कर दूंगी। मैं घर वापस चला जाऊंगा या चली जाऊंगी और स्कूल जाना बंद कर दूंगा या कर दूंगी। और मैं रोकर तमाशा खड़ा कर दूंगी या खड़ा कर दूंगा। ये दोनों जवाब उचित नहीं है। ये दर्शाते हैं कि आपने शिक्षक के इरादों को समझने की कोशिश नहीं की। आपके शिक्षक चाहते हैं कि आप समय का पालन करें, इसलिए उनकी धमकी में आपकी भलाई छुपी है। उचित जवाब है कि मैं माफी मांगूंगा या माफी मांगूंगी और यह निश्चय कर लूंगा या कर लूंगी कि अब से स्कूल देर से नहीं आना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप शिक्षक की धमकी का सही अर्थ समझ गए हैं। कभी कभी हमारे माता पिता या हमारे शुभचिंतक हमारी भलाई के लिए हमें धमकाते हैं। ये धमकी ही होती है, पर ये हमारे भले के लिए ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें परीक्षा में अच्छे अंक ना मिले और हम सभी विषयों में पास ना हों, तो वे हमें धमका सकते हैं कि हमारा स्कूल जाना बंद करवा देंगे। या फिर वो हमें ये कहकर डरा सकते हैं कि सड़क पार करते वक्त ध्यान न देने पर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। ये सब बातें सही इरादे से कही जाती हैं और हमारी भलाई के लिए होती हैं। हमें उन इरादों को अच्छी तरह समझकर
उचित तरीके से काम करना चाहिए। वास्तव में ये बातें धमकियां नहीं होती, बल्कि सही तरीके से दी गई चेतावनी होती है। उचित कारण के लिए दी गई चेतावनी कोई धमकी नहीं होती, वो तो केवल सावधान रहने के लिए कही गई एक बात होती है। आइए फिर से कहें, उचित कारण के लिए दी गई चेतावनी कोई धमकी नहीं होती, वो तो केवल सावधान रहने के लिए कही गई एक बात होती है। दूसरी तरह की धमकी हानि पहुंचाने के इरादे से दे दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी खैर नहीं, तो ये बात तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को बतानी चाहिए जिस पर आप विश्वास करते हो। इसलिए जब कोई हमें हानि पहुंचाने वाली धमकी दे, तो ये बात तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को बतानी चाहिए जिस पर हम विश्वास करते हो। आइए फिर से कहें, जब कोई हमें हानि पहुंचाने वाली धमकी दे, तो ये बात तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को बतानी चाहिए जिस पर हम विश्वास करते हों। क्या कभी कभी डर जरूरी होता है, या फिर हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए? कुछ बातों में डर जरूरी होता है। किसी आपत्तिजनक या असामाजिक काम के संदर्भ में डर जरूरी होता है, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना इत्यादि। क्या हम अगली भावना के बारे में जानें जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहता या करता है जिससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, तो हम अपमानित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके शिक्षक को आपको क्लास के बाकी छात्रों के सामने डांट दें और सारे छात्र आप पर हंसने लगें, तो आप अपमानित महसूस करते हैं। जब हमें अपमानित किया जाता है, तो हम अपने आप को तुच्छ महसूस करने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हमारा काम बेअसर हो जाता है, हमारी कोशिशें कम हो जाती हैं और विकास में बाधा पड़ जाती है। ये बातें उन सभी के लिए सत्य हैं जिन्हें अपमान सहना पड़ा हो। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? मैं चाहता हूं कि आप सब जोड़ियां बनाकर बैठें। क्या आप सब फटाफट अपने दोस्त के पास जाकर बैठ सकते हैं? अब एक दूसरे को ऐसे अनुभव के बारे में बताना है जब आपका अपमान हुआ था, आपका साथी आपसे नजरें मिलाते हुए आपकी बातें ध्यान से सुनेगा। जब आपकी बातें पूरी हो जाएं, तब आपको अपने साथी के अनुभवों के बारे में ध्यान से सुनना होगा। अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। आमतौर पर लोग तब अपमानित महसूस करते हैं जब उन्हें उनके सांवले रंग, छोटे कद, शरीर मोटा या बहुत पतला, या परिवार के सामाजिक स्तर के कारण चिढ़ाया जाता है। जब किसी को सबके सामने डांटा या पीटा जाता है, तब वे अपमानित महसूस करते हैं। भारत जैसे देश में सांवला रंग और छोटा कद होना आम बात है। उसी तरह छोटा कद, पतलापन या मोटापा खानदानी हो सकता है। इनके आधार पर किसी को तुच्छ समझना और चिढ़ाना ठीक नहीं होता। सब लोगों के परिवार का सामाजिक स्तर एक जैसा नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसलिए इसके आधार पर
किसी को चिढ़ाना तो बहुत ही गलत होता है। अपने आप को तुच्छ महसूस करने के बजाय हमें परिस्थितियों को बेहतर रूप से समझना चाहिए। अगर किसी को सबके सामने डांटा या पीटा गया हो तो उस स्थिति पर गौर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। अपमानित होने की वजह से जो दुख होता है वो हमें किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ बांटना चाहिए, इससे हम बेहतर महसूस करेंगे। आइए अब अगली बात पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही अपमानित महसूस करते हैं, जाने अनजाने में हम भी कई बार दूसरों को अपमानित कर देते हैं। आइए इस परिस्थिति पर नजर डालें। रवि आपकी क्लास में नया आया है, वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है। आपके दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए उसके सामने लंगड़ा कर चलने के बारे में सोचते हैं। आप क्या करेंगे? एक, जब सारे लोग उस तरह चलेंगे तो मैं उन्हें देखकर जोर से हंसूंगा या हंसूंगी। दो, मैं वहां से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तीन, मैं अपने दोस्तों से कहूंगा या कहूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जोर से हंसने का मतलब है रवि का मजाक उड़ाना और उसे अपमानित करना। अगर आप वहां से चले जाते हैं तो यह दर्शाता है कि आप रवि को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, पर आप अपने दोस्तों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। इस परिस्थिति में सबसे उचित जवाब होगा अपने दोस्तों को स्पष्ट रूप से ऐसा कहना कि वो ऐसा ना करें। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आप अपने करीबी दोस्त को किसी ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जब आपने किसी का अपमान किया हो? जब आप बात करें तब आपके दोस्त को आपसे नजरें मिलाते हुए ध्यान से आपकी बात सुननी है। फिर जब आपका दोस्त बात करे तब आप भी उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। अपनी बात खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। जिस तरह लोग हमें सांवले रंग, छोटे कद, मोटे या पतले शरीर या हमारे परिवार के सामाजिक स्तर के आधार पर चिढ़ाते और अपमानित करते हैं, उसी तरह कभी हमने भी उन्हें चिढ़ाया होगा, है कि नहीं? हमने गुस्से में आकर या बिना सोचे समझे ऐसा कर दिया होगा। पर किसी को चिढ़ाना कोई मजाक की बात नहीं होती। खेल और मजाक खुशी के लिए होने चाहिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। उसी तरह गुस्सा करने का एक सही ढंग होना चाहिए। हमें सामने वाले व्यक्ति को ये बताना चाहिए कि हमारे गुस्से का कारण क्या है और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे ठेस ना पहुंचाएं। अगर हमारी बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो फिर गुस्से का कारण बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठेस पहुंचाने वाली बात कहने से उस व्यक्ति को मानसिक पीड़ा पहुंच सकती है। इसलिए हमें खुद को तुच्छ या किसी से कम नहीं समझना चाहिए, ना ही हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों का अपमान हो। आइए फिर से कहें, हमें खुद को तुच्छ या किसी से कम नहीं समझना चाहिए, ना ही हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों का अपमान हो। क्या अब हम अगला कार्यकलाप करें? हमने सीखा था कि मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा और खुशी ये कुछ मूल भावनाओं के नाम हैं जिन्हें हम सभी महसूस करते हैं। हमने ये भी सीखा था
कि हमारा चेहरा वो भावना दर्शा देता है जो हम महसूस कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि केवल चेहरे को देखकर हम ये बता दें कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है? आपको क्या लगता है कि ये संभव है? तो क्या हम इस बात को अभी जांच कर देखें? आपको एक के बाद एक कुछ चेहरे दिखाए जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ भावनाओं के नाम भी दिखाए जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि हर एक चेहरा कौन सी भावना दर्शा रहा है? मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा, खुशी। शाबाश, चेहरों और भावनाओं के नामों को सही तरीके से मिलाने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? क्या आप एक एक करके मुझे सारी मुख्य बातें बताएंगे? जब हमें डर लग रहा हो तब बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिति को समझते हुए अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए ताकि हम आगे की परेशानी से बच सकें। उचित कारण के लिए दी गई चेतावनी कोई धमकी नहीं होती, वो तो केवल सावधान रहने के लिए कही गई एक बात होती है। जब कोई हमें हानि पहुंचाने वाली धमकी दे तो ये बात तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को बतानी चाहिए जिस पर हम विश्वास करते हों। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।